जब क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अपने ही क्षेत्र की जनता के बीच बाइक पे सवार होकर जाए तो इसकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। विधायक केदार डावर ने ऐसा ही किया। वे बाइक से बरूड से 5 किलोमीटर लालकुई मार्ग पर आदिवासियों के बीच पहुंचे। विधायक डावर ने 15 लाख रुपए की लागत से नई सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। क्षेत्रीय विधायक को अपने बीच पाकर आदिवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सह भोज का आयोजन भी रखा। उन्होंने खेतों में कार्य कर रहे मजदूरों से भी बात की और उनके हालचाल और समस्याओं को जाना। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप तो भुगत ही रहे थे, लेकिन मैं भी इस मार्ग से वाकिफ था। हमारे सभी वरिष्ठ साथी बार बार इस मार्ग की स्वीकृति की मांग करते आ रहे थे। पिछले दिनों बरसात के पहले भी इस मार्ग की स्वीकृति हमने कराई थी, लेकिन मार्ग पे आने वाले कुछ जगह कठिनाइयों के कारण ये मार्ग निरस्त हो गया था। लेकिन वो हमारे नॉलेज में था, संज्ञान में था और यहाँ की तकलीफ हमको मालूम थी। हम लगातार इसके पीछे पड़े और उसकी स्वीकृति आज आपके बीच में इन रेल फोड़ के काम प्रारंभ किया गया। मेरा अनुरोध है इस क्षेत्र के सभी लोगों के, इस मार्ग पे जो आने वाले किसान भाइयों से, आप इस मार्ग को छोटी मोटी समस्या के समाधान करके गति से चलने दें। इसमें कोई रुकावट ना आए, हम सब की ये जिम्मेदारी है। नहीं तो सरकार का कोई काम जो है एक बार रुकता है तो वापस चालू कराने में बहुत दिक्कत आती है। हम लोग प्रयास में हैं कि आपका आवागमन सुलभ हो जाए तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के विकास में और गति आएगी। आप लोग मेहनती हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन सही समय पे हमारी फसल न पहुंच पाए, हम लोग न पहुंच पाए, कोई प्रसूता की डिलीवरी वाले माता बहनों का जो तकलीफ है, समय पे हम वाहन ना आने से वहाँ जाने में जो तकलीफ आती है, ये तकलीफों अब इस मार्ग बनने से ये तकलीफें दूर होगी। और जो भी समस्या है हम मिल के प्रयास कर रहे हैं आप सबकी मदद से कि वो समस्याओं का हम समय रहते समाधान कर पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।